आप वो काम छोड़ के कृपया मंच के पास आए, विवेक मेहता जी जाकर उनका काम देखें। वो अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे निर्मल चंद जैन वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प सभा का आयोजन किया गया। आज की सभा में संकल्प इस बात का लिया गया कि मध्य प्रदेश जो विकासशील मध्य प्रदेश है उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है कि हम पुनः इस क्षेत्र से कैंट विधानसभा से माननीय दादा ईश्वरदास रोहाणी जी के ऊपर इसने आशीर्वाद बना करके आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें कमल निशान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके उन्हें यहाँ का विधायक बनाएंगे और इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात का यहाँ पर संकल्प लिया गया। लगभग 4000 की संख्या में हमारे वार्ड के प्रत्येक घर से लोग यहाँ पर आज सभा में एकत्रित हुए हैं और सभी ने यहाँ पर मुट्ठी बांध करके इस बात का संकल्प लिया है कि अपने वार्ड को हम कांग्रेस विहीन बनाएंगे। मंच के पास लाल कुर्सियाँ रखी हुई हैं, इसमें जिनका मैं नाम ले रहा हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि, वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मंची और स्थान ग्रहण करें, एक बार वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, बाद में वो फिर मंच छोड़कर जा सकते हैं। श्री विनोद सिंह जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमें समस्त भूत प्रभारियों से ये निवेदन करूंगा कि वह भी दादा जी का स्वागत करें। ने जो अभूतपूर्व स्वागत किया है उससे मैं अभिभूत हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे ये भी चिंता सता रही है कि जनता का इतना जबरदस्त आशीर्वाद, उनकी कसौटी पर मैं खरा उतरूँ। परमात्मा से प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति, एक रोम रोम मेरा आपकी सेवा के लिए अर्पित रहेगा। आपके विश्वास की कसौटी पर मैं सदैव खरा उतरूंगा। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब मुझे आप जहाँ भी जिस कार्य के लिए बुलाएंगे आपके आदेश का पालन करके मैं उपस्थित रहूँगा। इस भावभीन स्वागत के लिए मैं जनता का हृदय से आभार। जनता जनार्दन जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मैं भारतीय